रात भर लग गई लेकिन उसको ये कहने में कि वो मैंने मार दी। अच्छा, मार दी तो भाई कहाँ है उसकी डेड बॉडी, तो डेड बॉडी के नाले में फेंक दी। भाई नाले में फेंक दी तो कपड़े होंगे, उसका मोबाइल तो मिल गया, उस चप्पल पहने थी, उसके कपड़े होंगे, उसका पर्स था कि वो D5 के पीछे जो D5 बना हुआ ना, तो उसके पीछे नाला है। नाला तो सामने है, पीछे गैलरी है। गैलरी, अच्छा, जो बाउंड्री है, जगह रह जाए। हाँ, एक चारों तरफ बाउंड्री है, बाउंड्री के कोई 3 मीटर जगह छोड़ के फिर घर बना हुआ है, तो वो गैलरी टाइप की है और उसके पीछे टंकी है पानी की। हाँ। वो तो टंकी तो अभी होगी, अभी भी है। तो उसको डेट तो याद नहीं थी लेकिन उसको क्रम याद था। अच्छा, कि पहले मैंने एक पायल मारी नाम के साथ उसे। हाँ, ये पायल, दो पायल मरी, एक तो ये हमने उसको ऐसे क्लासिफाई किया, ये बड़ी पायल छोटी पायल। हाँ, एक मैं बता रहा हूँ ना, एक एक ये भी बताया उसने कि वो महिला क्या रंग के कपड़े पहने थी, कैसे रंग की ब्रा पहने थी, कैसे रंग की चूड़ी पहने थी, ये भी बताया उसने। मैं एक किताब लिख रहा हूँ उसमें मैंने पूरा डिटेल से बहुत बातें। यहाँ तो वहाँ चप्पल मिल गई उस लड़की की, और वहाँ तमाम कपड़े मिल गए और स्कल मिल गई, मतलब खोपड़ियाँ मिल गई और हड्डियाँ भी मिल गई। और ये तब पता लगा कि ये तो नालायक, बच्चों के कपड़े, ये तब पता लगा कि ये तो बच्चे भी इसने गायब किए, जो 16-17 जो, हाँ, जितने भी थे। हाँ, ROC केस ढंग से न सुलझ पाए, इसमें पुलिस की गलती तो थी प्रारंभिक तौर पर, उस गलती को बड़ा करने में प्रेस का भी बड़ा योगदान। पंडेर का मर्डर से कोई मतलब है नहीं, तो SSP साहब को बताया गया कि सर ये पंडेर तो मर्डरों में है नहीं, तो अचम्मा हुआ कि भाई ऐसा कैसे होगा कि ये घर में इतने मर्डर हो जाएं और उस मालिक को पता ही ना हो। जो ये फिल्म आई है नेटफ्लिक्स पर सेक्टर 36, उसमें तो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अधिकारी उनको तो अंत में मार दिया गया है, और भी तमाम तरह की बातें। वो तो उसमें तो वो तो सब काल्पनिक बातें हैं, वो इससे कोई मतलब, उससे ज़्यादा उन्होंने ज़रूर बेस वेस लिया है, मैंने देखी है वो। आप देखना शुरू कर चुके हैं UP तक, और लगातार आपने कई समय तक और ऐसी खबरें सुनी कि लगातार बच्चे गायब हो रहे हैं, और नोएडा ही वो शहर था जहां से ये खबर उठकर आई थी कि लगातार 16 से लेकर 15 इतने लोग अचानक से गायब हो गए हैं। पुलिस हैरान थी, परेशान थी, कोई तोड़ या कोई भी इसका सबूत नहीं मिल रहा था कि कहां से इसकी शुरुआत हो रही है। लेकिन तभी जब ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और इस पूरे मामले की तहकीकात करने की जो जिम्मेदारी थी हमारे साथ में बैठे हुए हैं इन्हीं के हाथ में थी, रिटायर्ड DSP UP पुलिस के गजेंद्र सिंह, और इन्हीं से हम जानेंगे कि ये जो निठारी का जो मामला था जिसके बारे में मैंने अभी आपसे चर्चा की कि ये कैसे शुरू हुआ और क्या क्या इसमें जो पूरा मामला था वो बताइए। निठारी एक गाँव है लेकिन अब तो वो आ गया पूरे नोएडा में। उस निठारी गांव के लिए जो रास्ता जाता है उस पर एक D5 नाम से कोठी थी, उसका नंबर था D5, डी ब्लॉक में 5 नंबर। उसके सामने से करीब 150-200 मीटर में बच्चे गायब हो जाते थे। हम ट्रांसफ़र होके आए थे मेरठ से, तो SIS में कप्तान साहब से रिक्वेस्ट करने की थी, तो उन्होंने पोस्ट कर दिया। श्री पीयूष मोड़िया साहब थे जी। फिर अब वो SIS में जो पोस्ट रहते हैं उनको फील्ड से ज़्यादा मतलब नहीं रहता, उनको इन्वेस्टिगेशन मिलती है वो और ज़्यादा रही, लेकिन अब नज़र तो रहती है क्राइम पे, जो सेंसेशनल क्राइम हो रहा था, लगातार बच्चे उठ रही तो मिल नहीं रहे थे, पुलिस की आलोचना भी हो रही थी, तो वो भी थोड़ा लगता था कि भाई बच्चे कहाँ जा रहे हैं ये। तो इसमें संख्या कितनी थी बच्चों की, कितने थे? कुल जो दर्ज हुए थे 16-17 पर्संस थे, उसमें 2-3 तो लड़के महिलाएं थी जो बालिग थी, बाकी नाबालिग, दो बच्चे लड़के थे नाबालिग, वो तो बच्चे थे बहुत छोटे, और लड़कियां थी नाबालिग, इतने थे 16 में से। तो लगातार पुलिस की आलोचना भी हो रही थी कि बच्चों को नहीं ढूंढ पा रही है, बच्चों को प्रेस, स्वाभाविक बात है जब इतनी बड़ी घटना होगी। तभी एक घटना हो गई, एक सेक्टर 16A में एक बच्चे का अपहरण हो गया जी।
और वो सवेरे 9 और 10 बजे के बीच की बात थी और बहुत ही सिक्योर्ड एरिया में से अपहरण हो जाए तो सनसनीखेज हो गया। हम अपने ऑफिस में बैठे थे, खबर आई कि बच्चा ज़्यादा दूर नहीं था, सेक्टर 14 में जब SSP ऑफिस था तो 14 के सामने ही 16 ये है, तो हम लोग चले गए कि क्या हुआ, क्या है ऐसी जी। तो वहाँ पे जो तमाम जो पुलिस यूपी के बड़े बड़े अधिकारी चीफ सेक्रेटरी स्तर के भी जिनको हम पहचानते थे चेहरे से, वो थे, वहाँ रहते थे, बहुत ही सुरक्षित एरिया था। उसमें से बच्चे का उठ जाना एक सेंसेशनल भी था और चिंताजनक भी था, और वो जिनका बच्चा उठा था बड़ा महत्वपूर्ण फिगर थे, वो भी शासन तक बात पहुंची, बच्चे को एनी हाउ जल्दी से रिकवर करना था। तो मैं भी खड़ा था और मेरे साथ एक मेरे साथी थे हकीम सिंह यादव, हम दोनों एक ही मोटरसाइकिल से गए थे। तो SSP जो जब यहाँ से श्री RKS राठौर साहब, वो मैं उनके साथ पहले भी रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि अब इस इसमें लगना है, ये अडोबी वाले, हाँ हाँ, जो बच्चे का अपहरण हुआ था जी, अनंत नाम था उस बच्चे का जी। खैर वो टीम बनी, हम भी एक टीम में थे, और वो सामूहिक प्रयास हुए, सिंसियर प्रयास हुए, और वो बच्चा 3 दिन में वापस आ गया, और मिल तो जा गया, मिला नहीं, यहाँ आ गया था वो बच्चा वापस। अच्छा। फिरौती दे के वापस आया था। अच्छा, अच्छा। लेकिन 2-3 दिन में ही वो फिरौती जी को जो रकम गई थी उसकी 95% वो रकम भी बरामद कर ली। केस सॉल्व हो गया। मेरी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थी तो मैं फिर SIS में जाना चाहता था। मैं SSP साहब से कहा कि सर मुझे कर दें उसमें SIS में, फिर तो बोले वो शाम को मीटिंग में आना, फिर बात करेंगे। शाम को मीटिंग हुई, वहाँ पे बात आई कि अब पुलिस की आलोचना ये हो रही है कि गरीब के बच्चा को पुलिस नहीं है, इतने दिनों से नहीं ढूंढ रही है, और ये अमीर का बच्चा 3 दिन में पुलिस ने ला दिया, पैसे भी बरामद कर लिए। इस बात को लेके सब अधिकारी चिंतित थे, बड़े से छोटे सब। तो अब कहना है भाई अब ये मेन टास्क रहेगा कि ये जो बच्चे गायब हो रहे हैं इनको ढूंढा जाए। तो लगे हम लोग भी उसमें, हमने मेन जिम्मेदारी हमने उठाई, मैं और एक सुरेंद्र पाल सिंह थे, हम लोगों ने टीम में लगाए। उसके बाद फिर हमने प्रयास शुरू किए, उसके बाद फिर सब लगे उसमें। जब उस दिन से जो मीटिंग के बाद प्रयास शुरू हुए, पहले ये सोच जाता था कि बच्चे जो मेजर लड़कियां महिलाएं थीं, लगता था कि कहीं अपना किसी प्यार मोहब्बत के चक्कर में चली गई हों, लेकिन बच्चों की जो समस्या थी, बच्चे कहाँ जा रहे हैं, 10 साल की लड़की, 12 साल की लड़की, 8 साल की लड़की, ये कहाँ जा रही हैं। तो ये लगता था कि हमने बैठ के विचार किया कि या तो ये बच्चे, 2 लड़के भी थे, कोई ऐसा गैंग है जो इनसे भीख मंगवाता है जी, या कोई ऐसा गैंग है जो लेडीज़ को उठाता है, लड़कियों को, फीमेल गर्ल्स को, और गलत काम में उनको धकेलता हो, प्रोस्टिट्यूशन के लिए। ये जो बाद में खुल के आया, ये तो समझ सोच से ऊपर की बात थी नहीं, लेकिन इसमें ये भी था कि आप लोग आगरा के किसी गिरोह को, हाँ, तब फिर एक अखबार में खबर आई थी कि CBI भी 2 महिलाएं गायब थी राजस्थान से, तो CBI को वो केस दिया गया था। तो स्वाभाविक है, हम लोगों से ज़्यादा सुविधाएं CBI को हैं और उनका क्षेत्र भी बड़ा है, तो हम CBI से मदद मांगने गए थे। वहाँ हमने कहा कि साहब जो जॉइंट डायरेक्टर थे यूपी कैडर के ही थे, वही उस केस को लीड कर रहे थे, इसीलिए हम गए थे, मैं उनके साथ भी रहा था। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट करी सर हमें भी ज़रा थोड़ा हमारे यहाँ से, अच्छा ये केस सबके नॉलेज में था क्योंकि काफ़ी सेंसेशनल था, सुर्खियों में था और फ्रंट पेज पर न्यूज जाती थी, जो चैनल टीवी चैनलों ने भी प्रमुखता से कवर उठाया हुआ था, भले कई चैनलों ने तो SSP को अपने उसमें बुला के स्टूडियो में बुला के बड़े तीखे सवाल पूछे थे, जिनका सामना करना
असहज कर देता है हर एक आदमी, हर एक पुलिस वाले को जो सेंसिटिव होते हैं सबको असहज करता था कि भाई बच्चे नहीं मिले। तो वहाँ से भी हमें काफ़ी मिला। तो ये हुआ कि एक ट्राइब्स है जो प्रोस्टिट्यूशन का धंधा कराती है महिलाओं से, वो बच्चियों को चुरा लेते हैं और वो फिर गलत धंधे में धकेल देते हैं। तो उसके लिए फिर आप आगरा पहुंचे? उसके लिए हम वो, और वो ट्राइब्स रहती है राजस्थान के और यूपी के बॉर्डर पे। उसके लिए हम उन गाँवों के आइडेंटिफाई करने किया कि कौन कौन गांव में रहते हैं, उनके कौन कौन मुख्य लोग हैं, किन से बात की जाए कि ये बात पता लगे, ये कर रहे थे। और साथ ही साथ में इस पे भी काम चल रहा था। शाम को हम लोग रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, जहाँ बच्चे भीख मांगते हैं, और जो व्यस्त चौराहे जिन पे बच्चे कारों के सामने, गाड़ियों के सामने खड़े हो जाते हैं और भीख मांगते हैं लाल बत्तियों पे, वहाँ शाम को अपना सादा कपड़ों में खड़े हो जाते थे कि आखिरी बच्चों को लेने कोई आता होगा शाम को, जब तो देखें कहाँ जाते हैं, किसके साथ जाते हैं जी। इस बात पे काम चल रही थी। तो शायद नवंबर की बात है, नवंबर 5 की बात होगी, हम लगभग 5 या 6 की बात होगी, तभी जो सर्वांश देख रहे थे, प्रभारी सर्वांश, उनको जो एक लड़की थी पायल और उसका एक और नाम था, ध्यान से उतर गया मेरे, उसका मोबाइल मिल गया। अच्छा, कैसे मिला हुआ? वो उसकी भी मैं बताऊं, मैं मई जून में राठौर साहब के पास नंदलाल नाम का एक आदमी आया। अच्छा। और उनके साथ कोई लोकल पत्रकार थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी कि साहब मेरी लड़की कोई 15 दिन पहले D5 में नौकरी के तलाश में गई थी और वहाँ से गायब है जी, और वो बता नहीं रहे D5 वाले। उसमें सुरेंद्र कोहली और मुनेंद्र सिंह पंडेर का नाम था, सुरेंद्र कोहली का नहीं था, पंडेर का नाम था कि उसने गायब कर दी। तो सारा जो था वो पंडेर पर था उसने, कि वो नौकरी के लिए बुलाया था और उसने गायब कर दी मेरी लड़की। तो SSP साहब ने मुझे बुलाया, मैं वहीं SI हमारा ऑफिस ऊपर ही था SIS का, मुझे कहा कि ये देखो इनकी बात सुनो और समझ के इनकी मदद करो पूरी तरह। तो हम उनको अपने ऑफिस में बुला लाए, पूरा पूछताछ की। नंदलाल ने बताया कि साहब मेरी लड़की थी 23-24 साल की होगी, 25 की होगी, लेकिन उसने तब ये नहीं बताया कि जो बाद में खुला कि वो प्रोस्टिट्यूशन खुद ही करवा रहा था। ना ना ना, ये नहीं, उसने तो कभी नहीं, बाद में जब बात खुली तब बात पता लगी, जब वो मोबाइल हुआ तब पूछताछ हुई तो फिर बात खुली, पहले उसने नहीं बताया। पहले तो यही बताया कि साहब मेरी लड़की वहाँ काम मांगने गई थी और उन्हें गायब कर दी। हमने सुरेंद्र, उसका मनेंद्र सिंह पंडेर का मोबाइल उसमें दिया था नंबर जी, फ़ोन किया तो वो फरीदाबाद में था। अच्छा। उसका फरीदाबाद में JCB सर्विसिंग सेंटर था। अच्छा। सब तो हमने कहा भाई आप ऐसे शिकायत आपकी मिली है और आप आइए यहाँ। तो बोले ठीक है जी, मैं कल आऊँगा, और ये तो मुझे बिना बात परेशान कर रहा है, मैं तो उस दिन था ही नहीं। अच्छा, नंदलाल के लिए बोला है? मनिंदर ने ये बात नंदलाल के लिए कही। तो मैं, चलो वो बात आप यहीं आगे बताइए। फिर वो आ गया दूसरे दिन अपने एक मैनेजर को लेके, और उसने बताया कि साहब जिस दिन ये अपनी लड़की को गायब होना बता रहा उस दिन तो मैं था ही नहीं, उसे एक दिन पहले मैं चंडीगढ़ चला गया था, मेरे पिताजी बीमार थे और उनकी डेथ भी हो गई, तो मैंने बताया भी था कि मैं तो था ही नहीं। उसकी बात को हमने वेरीफाई किया, उसकी गाड़ी का टोल और वो सब, टोल पे गाड़ी के नंबर फंबर कैमरों में देखे, और फिर उसका CDR भी देखा, तो उसका लोकेशन वहीं था चंडीगढ़ में। तब तक सर्वलाइंस के बारे में बहुत लोग नहीं जानते थे, आम लोग ज़्यादा नहीं जानते थे। तो ये हुआ कि वो नंदलाल ने बताया कि साहब मेरा जो रिक्शे वाला था उसने मुझे बताया कि वो मोहाली FI पे छोड़ के आया है जी, नौकर के पास। दूसरे दिन हमने नौकर भी बुलाया, और सुरेंद्र कोहली को और उस सिपाही भेजे कि कहीं ऐसा तो नहीं इसकी जो सर्विस सेंटर है वहाँ वो लड़की काम कर रही हो, उसका फ़ोटो लेके सिपाही देगा वहाँ, ऐसी उस हुलिया से मिलती कोई लड़की नहीं मिली। सुरेंद्र कोहली आया, सुरेंद्र कोहली ने, मैं तो जानता नहीं वो
एक एप्लीकेशन थी, उसे कई तरह से पूछताछ करी, लेकिन वो बिल्कुल, लेकिन उसका एक बात हमें बड़ी अजीब लगी, वो जो उसका चेहरा था बड़ा बिल्कुल सपाट, उसके चेहरे पे कोई दुख प्रकट, कोई हाव भाव नहीं, कुछ नहीं, कोई हाव भाव नहीं था। पूछताछ के लिए वो ज़्यादा लगा कि भाई ये तो शादीशुदा है, इसकी तो पत्नी है, पत्नी भी गांव में है, कहाँ ले जाएगा घर, कहीं वहाँ लड़की मिली नहीं। तो फिर मैंने SSP साहब से कहा, मैं सर ये, हाँ उस लड़की का भी CDR निकाला। अच्छा, पायल का। पायल का, तो वो पिछले 6 महीने में लगातार दिन में कई कई बार SMS करती थी, उसके पास भी SMS आते थे और वॉइस कॉल भी होती थी। एक कोई लड़का था बॉम्बे का, अच्छा, उससे बात करती थी। तो हमने समझा कि ये लड़की बम्बई चली गई। अच्छा, बम्बई जाने के लिए भी तो जब तक मुकदमा न हो एप्लीकेशन पर, बम्बई जाना लीगली नहीं ठीक था। SSP साहब से कहा गया कि सर ये इसकी विवेचना होने जरूरी है, इसका मुकदमा लिख दिया, ऐसे ये बात जो प्रगति हुई थी हमने बता दी। बोले ठीक है, मुकदमा लिखवा दो। सेक्टर 20 में एक ब्रजपाल एक हमारे साथ आरक्षक था, अच्छा, उसको नंदलाल को भेजा, मुकदमा लिखवा दो। वो बता के भी आया कि भाई SSP साहब ने भेजा है मुकदमा लिख लो। पता नहीं किन कारणों से वो गुमशुदगी लिखी गई, मुकदमा नहीं लिखा गया। उसके बाद वो नंदलाल चला गया हाई कोर्ट। जी, कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, कोर्ट चला गया, कोर्ट से वो मुकदमा लिखा गया और फिर वो हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट से उसकी विवेचना, गजिस्ट्रेड अधिकारी थे यहाँ एक श्री दिनेश यादव, उनको, उनके पास आ गई। उनके पास जब आ गई तो उस टीम में हमें भी लगाया कि भाई हम तो बच्चों के में लगे ही थे, इसी दौरान ये भी है, चलो। तो वो उस टीम की, उस वो लड़की पे एक मोबाइल था, अच्छा, वो मोबाइल मिल गया एक रिक्शे वाले के पास। हम तब आगरा गए थे, वहाँ से पता लगा, आओ तो हम आए तो बच्चों की तब तक कुछ पता नहीं, कुछ नहीं पता था। सिर्फ पायल की थी कि पायल अब पता लग जाएगी। तो रिक्शे वाले ने कहा साहब मेरे में तो एक सवारी छोड़ गई थी, अच्छा, उसका जो नंबर चल रहा था कि तो सवारी छोड़ गई थी। सवारी कहाँ छोड़ गई, तुमने छोड़ी? तो उसने बताया साहब T5 के सामने। तो इस तरह फिर उसको रन कराया गया उसकी बैक डेट से, तो उसमें सुरेंद्र कोहली की सेम निकली कि उसके फोन में, उस सुरेंद्र कोहली के राशन कार्ड लगा था, फोटो लगा, अच्छा, था। तब पता लगे उसने चलाई थी वो मोबाइल। जब फिर उसको पकड़ने के लिए हुआ और सुरेंद्र, वो बुलाया गया, वो आ गया रिक्शे वाला, नहीं सुरेंद्र, पंडेर, अच्छा, कि भाई तुम्हारा नौकर कहाँ है? नौकर देखने गए, नौकर धानी ताला लगा था घर में, अच्छा। तो फिर पंडेर को बुलाया गया, पंडेर को फ़ोन किया, आ गया पंडेर। उस पंडेर में ये जब जब बुलाया जाता था आ जाता था, अच्छा। तो पूछा भाई तुम्हारा नौकर कहाँ है? उसको बताया भी गया कि भाई इसमें लड़की गायब है और इसमें उसके मोबाइल में तुम्हारे नौकर का सिम चला है, उसकी ID से चला है। तो उसको भी थोड़ा अच्छा मासा हुआ, अब वो चला गया अपने गाँव अल्मोड़ा में, किसी रिमोट एरिया का रहने वाला था। तो वो यहाँ से फरार, वो नहीं फरार नहीं हुआ, पहले गया, ऐसे ही चला गया, हाँ, छुट्टियों में, हाँ। तो उससे पूछा कहाँ है वो, कह वो तो छुट्टी गया, कब गया? कि 4-5 दिन हो गए। तो वो किसने देखा उसका घर? किसी ने घर नहीं देखा गांव। वो अल्मोड़ा का था ये तो पता है, लेकिन उसके गाँव का नाम और वो शायद उसको नहीं पता था, लेकिन उसके मैनेजर ने बताया कि एक आदमी इनके यहाँ कोई और है जो उसका गांव जानता है, अच्छा, उसका कोई रिलेटिव था कहीं और काम करता था, तो उसको बुलाया गया, उसको लेके वो गया, कोई पूजा वूजा थी बता रहे, पूजा के चक्कर में गया था अपने गांव, अच्छा। तो उसको बताया गया भाई ऐसा ना हो वो स्लिप हो जाए, नेपाल ना निकल जाए वहाँ से, नेपाल या कहीं पर भी जा सकता है भाई, पहाड़ एरिया है, छोटे छोटे गाँव होते हैं, और पता नहीं कहाँ चला जाए, क्योंकि हाई कोर्ट में हैबियस कार्पस थी, वो लड़की को प्रोड्यूस करना था, बताना था कि कहाँ है, अच्छा। तो इसलिए लड़की का मिलना ज़रूरी था। तो पता लगा कि वो लड़की हो सकता है पहाड़ पे ही न ले गया हो, कहीं बेच पाच दियो, क्या करा, आएगा कैसे? कि उसने बड़े विश्वास से कहा कि वो ये कहना कि मालिक बीमार है, आ जाएगा वो, उसकी पूजा नहीं होगी तब तो भी छोड़ के आ जाएगा,
और ऐसा ही हुआ। वहाँ से तीसरे दिन वो आया, उसने कहा माले बीमार है, तो पूजा हुई नहीं थी, बीच चल रही थी, बीच छोड़ के आ गया वो। अच्छा। हाँ, पर उसने आ गया तो फिर पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ में हम और एसपी सिंह दो लोग थे, एक आध और थे बीच में आए गए, लेकिन शुरुआत हम ही लोगों ने करी। और पहले तो वो एक दिन कुछ बोला नहीं, फिर सोचा कि भाई क्या किया जाए, तो थर्ड डिग्री फोर्थ डिग्री जो होती है सब उस पर अप्लाई की गई, लेकिन बताया नहीं और कुछ नहीं बोला कि मुझे क्या पता। फिर वो रिक्शे वाला बुलाया, सेक्टर 50 पे एसओजी का ऑफिस था, अब पता नहीं है कि नहीं, वहीं पे हम लोग थे। प्रेस को पता तो थी कि इस लड़की का मोबाइल मिल गया है, तो लेकिन प्रेस के सामने लाना नहीं था जब तक खुल नहीं जाए पूरी बात, क्योंकि प्रेस सब अपनी अपनी तरीके से चलाने लगती है और फिर वो विवेचना कहीं की कहीं। तो यहाँ तक जो है इसके सुरेंद्र कोहली के ऊपर शक हो गया था पूरा, फिर तो विश्वास हो गया था ना जब मोबाइल मिल गया, किसी ने किया है, जब मोबाइल मिल गया, बच्चों के बारे में कुछ पता नहीं थी, जब मोबाइल मिल गया और उस मोबाइल में इसकी आईडी से नंबर चला लिया हुआ, तो फिर तो विश्वास हो गया था। और इसने चलाया काफी दिन, एक दूसरी खबरों में चला कि जिस रिक्शे वाले के उसमें रह गया था, तो उस रिक्शे वाले ने अपनी सिम लगा ली थी। हाँ, सिम उसने लगा ली थी, लेकिन अभी मेरा ये मोबाइल है, इसमें मेरी सिम चल रही है और आपको मैं दे दूं, तो फिर आप अपनी लगाओगे, तो जब आप लगाओगे तो फिर आपकी कॉल आईडी से आएंगे, लेकिन इसकी आईएमआई जब हम रन कराएंगे तो पता लग जाएगी। तो वैसे वो पता लगी कि इसका मोबाइल ज़्यादा दिन चला है, और जब वो खो गया उसकी गुमशुदगी भी वो थाने में लिखा के आया। अच्छा। कि मेरा मोबाइल खो गया है। तब लेकिन सर्विलांस बहुत प्री स्टेज में थी, यूपी पुलिस में बहुत ज़्यादा उसका एक आधा आदमी रहता था, वो थोड़ा बहुत रनिंग पनिंग यही होता था। तो फिर जब उसका नौकर उससे रिक्शे वाले से आमना सामना हुआ, तो फिर वो बोला हाँ, फिर उसने स्वीकार किया कि जी हाँ, जब मोबाइल भी दिखाया कि ये मोबाइल है, ये है वो है। रात भर लग गई लेकिन उसको ये कहने में कि वो मैंने मार दी। अच्छा। मार दी तो भाई कहाँ है उसकी डेड बॉडी, तो डेड बॉडी के नाले में फेंक दी। भाई नाले में फेंक दी तो कपड़े होंगे, उसका मोबाइल तो मिल गया, उस चप्पल पहने थी, उसके कपड़े होंगे, उसका पर्स था, कि वो D5 के पीछे जो D5 बना हुआ ना, तो उसके पीछे नाला है, नाला तो सामने है, पीछे गैलरी है, गैलरी अच्छा जो बीच बाउंड्री में जो जगह रह जाए। हाँ, एक चारों तरफ बाउंड्री है, बाउंड्री के कोई 3 मीटर जगह छोड़ के फिर घर बना हुआ है, तो वो गैलरी टाइप की है, और उसके पीछे टंकी है पानी की। हाँ। वो तो टंकी तो अभी होगी, अभी भी है। तो उन्होंने पूछा कि गैलरी में फेंक दिया, तो बाकी बच्चों का तो कुछ था ही नहीं, तो फिर भाई चलो हमने SSP को बताया, SSP ने और भी फोर्स भेजी, तो वहाँ चप्पल मिल गई उस लड़की की, और वहाँ तमाम कपड़े मिल गए, और स्कल मिल गई, मतलब खोपड़ियाँ मिल गई और हड्डियाँ भी मिल गई। और ये तब पता लगा कि ये तो नालायक, बच्चों के कपड़े, ये तब पता लगा कि ये तो बच्चे भी इसने गायब किए, जो 16-17 जो हाँ जितने भी थे। हाँ, तब फिर पूछताछ शुरू हुई उससे, उसकी याददाश्त इतनी तेज थी कि उसको डेट तो याद नहीं थी, लेकिन उसको क्रम याद था। अच्छा। कि पहले मैंने एक पायल मारी नाम पायल, के साथ उसे, हाँ ये पायल, दो पायल मारी, एक तो ये हमने उसको ऐसे क्लासिफाई किया, ये बड़ी पायल छोटी पायल। अच्छा। सबसे पहले भी इसने एक पायल मारी थी लड़की, वो छोटी बच्ची थी, 10-12 साल की होगी। अच्छा। 8-10 साल की पायल मारी, फिर उसके बाद हर्ष मारा, फिर उसके बाद ये मारा, वो सब बता दिया उसने फिर। और कपड़े सबके मिले, हड्डियां नाली में फेंकी थी वो बाद में, हड्डियां जब नाला का तलाशी हुई हड्डियां मिली, खोपड़ियां कई खोपड़ी उसमें मिली। पहले ये इसने 2-3 बच्चे मार के पीछे ही फेंके, लेकिन वहां से बदबू आई, तो पीछे जो लोग रहते थे टंकी पे, एक दो परिवार रहते थे, उन्होंने इससे कहा कि तुम्हारे घर से इतनी बदबू क्यों आती है बुरी। उसके बाद जो बगल में कोई रहते हैं, RK सिंह है क्या कोई है, वकील है। हाँ,
उनके खाना बनाने वाले उन नौकर ने कहा कि तेरे घर से यार नौकरी, नेपाली था, तुम्हारे घर में से इतनी बड़ी बुरी बदबू क्यों आती है। इनके यहाँ जो काम करने आती थी उसने भी कहा, माया नाम था शायद उसका, कि तुम बड़ी घर में बदबू आ रही है, तो इसको फिर वहाँ नहीं डाले इसने। अच्छा। फिर इसने काट के डा फेंकना शुरू किया। तो हमने पूछा भी तू ये इतनी सफाई से काटना कहाँ से सीखा? तो बताया कि जब हम वहाँ पूजा होती है तो पूजा में बलि छोड़ के आ गया था। हाँ, वहाँ बलि देते हैं ये। अच्छा। बलि में जानवर काटते हैं, बकरा या जो भी बकरी, तो उसका गर्दन काट देते हैं, फिर उसका जब ब्लड ड्रेन हो जाता है फिर तब आगे काटते हैं। और बता रहा था कि पहले जहाँ जोड़ होते हैं बकरे के उन चीज़ों को खोलते हैं और यहाँ स्कल, ये जो रिब्स हैं इनको तोड़ देते हैं। वो जब उसने मैंने कहा ऐसे ही मैं उसी वहीं करता था जो मैंने बकरी काटने को करता था, पहले गर्दन काट के। अच्छा, ये रहता था D5 के ऊपर। अच्छा, ऊपर छत पे, छत पे एक कमरा बना हुआ था इसका अलग, और उसी में एक लेटरिन बाथरूम बने थे और शायद एक किचन भी बना था छोटा था, जहाँ तक हो सकता है था या नहीं था वो नहीं, लेकिन लेटरिन बाथरूम थे। तो ये क्या करता था, डेड बॉडी को जब बदबू वाली बात हुई तो उसके बाद डेड बॉडी को उठा के ले जाता था और उस बाथरूम में लेटरिन इंडियन स्टाइल सीट थी काट के उस पर रख देता था डेड बॉडी को और नीचे चलाता था। अच्छा। और जब उसका पूरा ब्लड ड्रेन हो जाता था उसके बाद रात में आराम से उसके पीस बनाता था, कपड़े पीछे फेंक देता था। अच्छा। खोपड़ी भी पीछे फेंक देता था जहाँ पहले फेंक जाले फेंकता, क्यों खोपड़ी तो ज़्यादा बदबू नहीं आती, कोई लगा कोई चूहा मर गया हो या वो पूरे शरीर में जब सड़ता है तब ज़्यादा बदबू आती है, बहुत दिनों तक रहती है। तो और फिर बता रहा था कि ये रिब यहाँ से पहले ये काट देता था, नीचे का हिस्सा अलग कमर पे से और उपधड़ अलग ऊपर, और फिर जो फाड़ के आंतड़ी वगैरह एक उसमें पन्नी में भर लेता था, ब्लड रहता नहीं था, और रिब तोड़ के उसको छोटा करके पन्नियों में भर भर के फेंक देता था, क्योंकि इसके सामने जो नाला ढका हुआ था एक जगह सिर्फ वो खुला था। अच्छा। बता रहा था एक जगह एक बार बड़ी लड़की को वो पायल थी छोटी छोटी पायल को जब इसने मारा तो रात को उसको फेंकने गया उसमें, लेकिन वो पूरी बॉडी गई नहीं उसमें, तो फिर उठा ला फिर पीछे फेंक दी इसने वो। अच्छा। तो इसलिए ये इस तरह मर्डर करता था। तो ये अच्छा। सब उसने कबूल किया है कि हाँ, एक मैं बता रहा हूँ ना, एक एक ये भी बताया उसने कि वो महिला क्या रंग के कपड़े पहने थी, कैसे रंग की ब्रा पहने थी, कैसे रंग की चूड़ी पहने थी, ये भी बताया उसने। मैं एक किताब लिख रहा हूँ उसमें मैंने पूरा डिटेल से बहुत बातें यहाँ बताना, उसमें आपको पता लगेंगी। अच्छा, इसकी फैमिली में कौन कौन था? इसकी फैमिली में इसका ये चार भाई हैं, ये दूसरे नंबर का था। अच्छा। एक बड़ा भाई भी बताया था इसने, यहाँ रहता है ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है खड़क, ये जो अस्पताल है ना अपोलो से आगे है। अच्छा, अच्छा। यहाँ काम करता था किसी फैक्ट्री में, और एक ये था, इसका एक बहन है, बहनोई यहीं रहता था। ये पहले 2000 शुरुआत में जब आया अपने बहन के पास ही आया। अच्छा। उसका बहनोई एक कर्नल ब्रिगेडियर थे जी, बधावन, उनके यहाँ काम करता था, उसने ही इन बधावन साहब के यहाँ इसको रख दिया। अच्छा। आज जब हम विवेचना कर रहे थे तो पूछा इन दो तीन मिलिट्री के अधिकारियों का नाम बताया कि जिसके यहाँ इन्होंने काम किया, एक ब्रिगेडियर थे, एक मेजर थे, एक कर्नल भी थे। तो सबने कहा कि वो तो बहुत अच्छा लड़का है। अच्छा। हमने कहा वो तो ऐसे ऐसे तूने मर्डर किए, वो तो मर्डर तो कर ही नहीं सकता, वो तो बहुत सीधा है। तो फिर इसने ये बताया कि ये ऐसा कैसे बन गया, हैवान कैसे बन गया? हाँ, ये बात हमने पूछा कि ये ऐसा कैसे हो गया दो साल में ही। तो ये बात हमें पता लगी वहाँ जहाँ जब इनका नार्को टेस्ट कराने गए। अच्छा। तो ये मतलब यूपी का पहला नार्को टेस्ट? यूपी का पहला नार्को टेस्ट हम लोगों ने कराया था। उससे पहले यूपी पुलिस को पता नहीं थी क्या नार्को होता। अच्छा। है क्या नहीं होता। वो भी नार्को टेस्ट इसका इसलिए कराया कि जब हम इंटरोगेशन कर रहे थे
तो एसपी सिंह को हमको पता लगी, ये विश्वास हो गया था कि ये मर्डर इसी ने किए हैं, इसमें निठा इसका पंडेर का कोई मतलब नहीं है। ठीक है जी। पंडेर एक कुकर्मी टाइप का आदमी था, उसको लड़कियों का शौक था, मर्डर नहीं करता था। मर्डर तो ये तब हुए जब पंडेर नोएडा में ही नहीं था। अच्छा। और फिर हमने इस बात पे भी पूछताछ की कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि 16-17 मर्डर हो जाएं, घर के मालिक को पता ही ना हो। तो उसका ये पूछताछ में निकल गया कि वो यहाँ परमानेंट नहीं रहता था, वो चंडीगढ़ में उसका घर था, एक घर उसका शायद दिल्ली में भी है, कई जगह घर हैं। तो जब चंडीगढ़ में जाया, पहले इसकी पत्नी यहीं रहती थी डी फाइव में। अच्छा। और सुरेंद्र की पत्नी भी यहीं रहती थी। अच्छा। सुरेंद्र की पत्नी के यहीं बेटी हुई थी। अच्छा। इसी घर में। और पंडेर की पत्नी ने ही उस लड़की का नाम रखा था, सिमरन बता रहा था नाम उसकी। अच्छा। बेटी का था। तो बाद में पंडेर की पत्नी चली गई तो ये भी अपनी पत्नी को छोड़ आया, वो तो ये अकेला रहने लगा। और जब भी पंडेर आता था तो इसको फ़ोन कर देता था कि आज मैं इतने बजे तक पहुँच जाऊँगा भाई, खाना बना लेना, ये तो ये साफ वाफ कर देता था। अच्छा, तब तक सफाई कर देता था। अच्छा, नीचे तो कुछ करता ही नहीं था, पंडेर ऊपर जाता नहीं था। अच्छा। पंडेर को ये तो अपना खाना खाया, दारू पी, और जो भी उसके शौक थे लड़की फड़की जो मंगाई, अपना सवेरे उठ के अपने ऑफिस चला गया। अब वो पैसे से मंगाता था, कोई ऐसी नहीं थी। हमने ये भी जब चल रही थी ये बात इंटरव्यूशन, तभी चैनलों ने चलाना शुरू कर दिया कि ऑर्गन ट्रेडिंग होती थी। अच्छा। करते थे। तो ये बात पूछताछ हुई उससे, लेकिन ये संभव यूँ नहीं लगी कि भाई ऐसा वहाँ कोई ऑपरेटर्स या ओटी नहीं थी। हाँ, ऐसा मतलब, कोई वो तो बहुत बारीकी से जरूरत है, और वहाँ चाकू तो ज़रूर थे। बिल्कुल। चाकू वो इसलिए थे कि नॉनवेज तो पंडेर भी खाता था, नॉनवेज आता भी था, ये बनाता भी था। तो ये लगा कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चों को खाने नरभक्षी बन गए हों दोनों। तो इस पर भी उसने बताया कि एक बच्चे का उसने एक बार कलेजा कच्चा खाया था। अच्छा। वो उसने मुंह में तो दिया लेकिन वो खा नहीं पाया, गरम, मुझे तुरंत उल्टी हो गई। फिर उसके बाद तो मतलब, अच्छा, तो इन लोगों ने मतलब खाया नहीं है ना, हमारी विवेचना में ऐसा कोई प्रकाश नहीं। अच्छा, उसने मना किया। हाँ, उसने मना किया तो बस मार देता था ऐसे ही। मार नहीं, ये मेंटली डिसऑर्डर इसको हो गया। ये क्या करता था, अकेला रहता था, सरदार लड़कियां बुलाता था, इसकी भी सेक्सुअल इच्छा जागृत होती थी लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती थी। तो ये क्या करता था, लड़कियों को उठाता था, लड़के तो इसने धोखे में उठाए। अच्छा, जो दो लड़के उठाए, दो लड़के, एक लड़का तो उसके तो बाल नहीं कटे थे, वो बताते हैं अपनी माँ के शादी के 7-5-7 साल बाद हुआ था। तो उसकी दादी ने कहा कि भाई लड़का हुआ है, इसके बाल वहाँ देवी पे कटवाएंगे, 5 साल बाद कटवाएंगे। तो बड़े बड़े बाल थे, तो इसने समझाई लड़की है। अच्छा। फिर जब उसके कपड़े उतारे तो लड़का निकला, तो बिना ऐसे वो मैक्स भी ऐसे ही मार दिया इसने बिना बात। और ये क्या करता था, अपनी सेक्सुअल डिज़ायर पूर्ति करने के लिए बच्चियों को उठाता था और कपड़े उतार दे के मार देता था। मारने के बाद कपड़े उतार, मार क्यों देता था, पहले इसने जो बड़ी पायल, वो छोटी पायल उठाई थी, तो इसने उसके साथ सेक्स करना चाहा, वो बच्ची थी, उसने चीखना शुरू कर दिया, चीखना तो उसने गला दबा दिया, वो मर गई। अब वो मर गई तो फिर इसने वो ट्रेंड अपना लिया। वो दिन की बात थी, शायद झाड़ू लगाता था, सफाई कर्मी था उसका फादर, तो वो भी शायद झाड़ू लगा रहा था। क्या तो था? ये क्या कुछ कैसे ले पकड़ता था, क्या कहता था उनसे, बच्चों से? हाँ, बच्चों को तो बहके बुला लेता। जब वो पहली वाली जो इसने सबसे छोटी पहली पायल को बुलाया था, तो कह रहा था मैं दूध लेके आया था दुकान। अच्छा। पे सब एक पैकेट आधा लीटर की 9.5 रुपये की आती थी, तो 10 रुपये इसने दिए, 50 पैसे की उसने टॉफ़ी दे दी। तो इसने वो बच्ची खेल रही थी वहाँ, उसको टॉफ़ी दी, बोले आ जा चल अंदर और टॉफ़ी दूंगा। वो बेचारी चली गई बच्ची। अब वहाँ इसने इसी तरह किसी जो जैसे काम वाली, एक नंदा नाम की नेपाल की महिला थी, इसी के यहाँ काम करती थी। फिर वो शादीशुदा थी, प्रेग्नेंट हुई, तो वो काम छोड़ के चली गई।
डिलीवरी के होने के कुछ ढाई महीने बाद फिर आई वो जी। और इसने कहा भाई मैं अब ठीक हूँ, काम करूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आ जाना। तो ठीक है कल से आ जाऊँगी। तो उन्होंने कहा तो चाय पी जा। तो इसने चाय, अब वो पहले काम कर चुकी थी तो वो आ गई, इसने उसी पर चाय बनवाई, दोनों ने चाय पी के वो जाने लगी, फट इसने इसको दबोच लिया और गला दबा के मार दिया और उसके साथ रेप करने का प्रयास किया। रेप करने का प्रयास करता था और ये कर नहीं पाता था। अच्छा, इसको ऐसी बीमारी लग गई थी, मानसिक बीमारी थी या ये भी, मुझे तो जो वहाँ जो पता लगा लैब में गांधीनगर, उन्होंने यही बताया कि जो आदमी अकेला रहता है, अच्छा, अकेलापन आदमी के लिए बहुत खतरनाक रहता है। आइए अकेला रहा दो ढाई साल, न ये टेलीविज़न देखता था, न कोई किसी से बात करता था, न कोई इसके पास आसपास बात करने को था। तो ये धीरे 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 इस स्थिति में आ गया कि सरदार को अय्याशी करते देखता था, इसका अय्याशी करने को मन करता था और तब उसके चक्कर में बच्चों को उठा लाता था जी। तो ये जो केस था ये आपको कैसे मिला? मैं बताया ना कि वो जब शाम को जो मैंने बताया था कि मैं सब मुझे SIS में कर दो, राठौर साहब से कहा, तो राठौर साहब ने कहा कि भाई शाम को मीटिंग में आओ फिर डिसाइड करेंगे। तो मीटिंग हुई, 27 में रहते थे SSP तब, सेक्टर 27 में, यहीं बंगला था, इसी में मीटिंग हॉल था। तो पूरे ज़िले के सब अधिकारी थे, थाना प्रभारी थे और मैं ही था जो ऑफिस से गया था। तो उन्होंने कहा भाई अनंत का अपहरण हुआ था, अनंत आ गया, तो अब पुलिस पे ये ज़बरदस्त आरोप लग रहा है कि पुलिस सिर्फ पैसे वाले का ही काम करती है और बच्चे इतने गायब हो रहे हैं, उनको कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। चैनलों में जाके उनके माँ बाप भी रोते थे, SSP के पास भी आके रोते थे और अधिकारियों के पास। तो उस घर के बाहर उस टाइम में बहुत भीड़ भी लगना शुरू हो गई थी, दूर से लोग आ रहे थे। वो बात की बात, जब अच्छा। जब ये हुआ कि ये खबर चली कि बच्चे यहीं 16-17 बच्चों की डेड बॉडी और कपड़े और सब मिले, तो लोग, बच्चे तो यहाँ बहुत गायब होते हैं देश में और सब मिल नहीं पाते। और आपको बताऊं इसमें यदि काम किया जाए, तो जब मैं वहाँ CO था GRP टावा में, तो मुश्ताक अहम मोहम्मद मुश्ताक थे हमारे SSP, बोले यार ज़्यादा काम GRP में था नहीं, चलो ये करते हैं, बच्चे जो खो जाते हैं उनको ढूंढा जाए। मैं ठीक है सर। तो हम लोगों ने प्रयास किया, तो 250 बच्चे हमने 6-7 महीने में ही उनके घर भेजे, ढूंढ ढूंढ के, आसाम में भेजे, बम्बे में भेजे, यहाँ से 4-5 जिलों से। और फिर पहले ही हुआ कि ढूंढे कहाँ जाएँ, मैंने कहा अब तो सब बंदी चल रही है, ज़्यादा लोग आ जाने, ढूंढने के लिए ये तय किया कि भाई जो अनाथालय इनमें चला जाए, इनमें बच्चे हैं, बच्चे आए कहाँ से, इनका कोई ना कोई तो होगा। तो 6-7 महीने में ही हमने 200-250 बच्चे उनके घर पहुँचाए। तो ये एक SSP रहे यहाँ पे धर्मेंद्र यादव, उन्होंने भी एक ऑपरेशन मुस्कान चलाया, तो उन्होंने बहुत बच्चे पहुँचाए। हाँ, तो ये बच्चे खो जाते हैं, सब मिल नहीं पाते। जब लगा कि यहाँ पे नोएडा में, और फिर लगा कि नोएडा में, तो बच्चों की अंगों टेलीविज़न में चले गया कि अंगों का व्यापार होता है, तो लोगों ने समझा कि हमारे भी बच्चे यहीं होंगे। तो फिर तो यहाँ भीड़ आ गई, इतनी भीड़ आई 7-8-10 दिन कि पूरे ज़िले की पुलिस, छोटे से बड़े SSP से सिपाही से लेकर SSP तक, सबको वहीं रहना पड़ता था। D5 और उसकी इतना जाम लग जाता था कि भीड़ को संभालते संभालते पूरा दिन हो जाता था। महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब, दिल्ली, UP, तो अपना है ही, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जहाँ जहाँ बच्चे नहीं मिल रहे थे, सबको लगता कि हमारे यहीं मिलेंगे, इसलिए भीड़ बहुत आती थी। तो जिस तरह से ये करता था, कुछ सिमिलर ऐसा ही आरुषि के केस में भी था, उसको भी आपने देखा था? ना, हाँ, मैं तब SIS में ही था, प्रभारी था, SOG के प्रभारी था। मैं मेरे से ट्रांसफर पे आया था, तभी तो मेरे दाढ़ का इलाज चला था, डॉक्टर एक डेंटिस्ट थे वहाँ मेरठ में, मैं यहाँ आ गया तो वो अब
लंबा चलता है दांतों का इलाज। तो मैंने उनसे कहा डॉक्टर साहब तो आना बड़ा मुश्किल होगा, कोई डॉक्टर ठीक हो होशियार तो मैं वहीं दिखा लिया करूँगा। तो उन्होंने डॉक्टर राजेश तलवार का नंबर दिया मुझे। अच्छा। और उनको फ़ोन भी कहा कि मेरे मित्र हैं और आप जरा इनका इलाज करें। ठीक है, तो सेक्टर 18 में ही थे तो मैं दो बार उनके उनकी क्लिनिक पर दो बार गया था। तो जैसे डॉक्टर अंदर बैठे हैं, बाहर कंपाउंडर या कोई उनका एक असिस्टेंट बैठा रहता है, फीस ली पर्ची दी, तो वो ये काम करता था हेमराज। अच्छा। तो जब मर्डर हो गया SPCT मौके पहुंचे तो डॉक्टर तलवार ने ये हुआ कि भाई हेमराज मार के चला गया। अब हेमराज को कौन जानता है, तो डॉक्टर तलवार ने SPCT को बता दिया कि गजेंद्र सिंह हैं आपके यहाँ, वो जानते हैं, उन्होंने देखा है। तो उनका मेरे पे फ़ोन आया, तब मैं SOG में था ही, तो SOG का तो यही काम रहता भाई कोई भी हीनियस क्राइम हो वहाँ जाना ही जाना जी। तो उन्होंने कहा कहाँ हो तुम, मैंने सर में तो घर हूँ, सवेरे 8 बजे की बात है। अरे जल्दी आ यार, एक मर्डर हो गया मेरे। ठीक सर। अच्छा। तो मैं जल्दी फल्दी अपना वर्दी पहन के भाग के आया, देखा तो डॉक्टर तलवार की बेटी का मर्डर हो गया। मैं मौके पर गया था तो क्या देखा आपने? मौके पे देखिए जहाँ लड़की की डेड बॉडी पड़ी थी वो भी देखी मैंने, उसका गला कटा हुआ था और उसके सर पे कोई भारी चीज से प्रहार हुआ था जिसकी वजह से खून के फुब्बारे छूटे थे। जैसे वो लड़की यूँ सोई थी उस पे बेड सिरहाने की तरफ, तो उस जो सिरहाने की तरफ की जो पीछे की जो दीवार थी पूरी एक फुहारा सा छींटा खून के छींटों का लगा हुआ, मतलब कुछ तेज प्रहार किया, तेज प्रहार किया था जिससे इतना तेज फुब्बारा लगा वो और गला भी कटा हुआ था। और उसका जो लोअर जो पहने थी वो ढीला था। जहाँ हेमराज को रहना बताते हैं उस कमरे में एक वो पड़ा हुआ था तख्त टाइप का, उस पर रुई का गद्दा पड़ा था और एक जैसे आपकी है ऐसे होगी छोटी होगी टेबल रखी थी या ऐसी बड़ी होगी और दो कुर्सियाँ रखी थी और चार गिलास रखे थे और एक शराब की बोतल रखी थी। अच्छा। ठीक है जी। चार और वो जो तख्त था उस पर जो गद्दे पे बैठने के दो आदमियों के निशान बने हुए थे। अच्छा। रुई का गद्दा था, दब गया होगा बने थे। तो सवेरे जब हम गए तब तक वहाँ प्रेस बहुत जबरदस्त, बहुत ROC केस ढंग से न सुलझ पाए, इसमें पुलिस की गलती तो थी प्रारंभिक तौर पर, उस गलती को बड़ा करने में प्रेस का भी बड़ा योगदान था क्योंकि पूरा डिस्टर्ब हो गया था क्राइम ऑफ सीन। उसमें गलती पुलिस की थी कि भाई आप उनको रोकना चाहिए था, कोई प्रेस वाले जो आते हैं कोई ऐसा तो नहीं लट्ठे लेके हम तो जाएंगे कैसे नहीं जान दोगे भाई, आप उनसे कायदे से कहो तो हट जाते हैं, लेकिन जब जो IO था वही नहीं रहेगा तो रोकेगा कौन। IO आए जल्दी से डेड बॉडी हटाई और फिर चले गए, तो ये गलती रही। और ढंग से उसका निरीक्षण घटनास्थल नहीं हुआ, जबकि विवेचना की खासकर मर्डर और डकैती जैसे हीनियस क्राइम की विवेचना का प्राइमा फेसी सिद्धांत ये है, मूलभूत सिद्धांत ये है कि घटनास्थल पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिता के बारीकी से किया जाए, और वो बारीकी से घटनास्थल का निरीक्षण नहीं हुआ था और उसमें प्रेस तो पूरी थी। तो ये जो दो केस थे, ये निठारी वाला और इसमें सिमिलैरिटी क्या है? नहीं, इसमें कोई सिमिलैरिटी। तो इसमें ये है कि दोनों ही जगह नौकरी थे। हाँ, उन पर आरोप लगा। हाँ, और एक हथियार था जिससे ये दोनों देखो वो जो क्राइम किए गए, जो वो मैंने फिर उसकी भी हेमराज की भी डेड बॉडी देखी और उस लड़की की भी डेड बॉडी देखी। मुझे मैंने उसी दिन SSP को बताया था कि दोनों कत्ल एक ही चीज़ से हुए, एक ही शार्प वेपन से हुए हैं और वो शार्प वेपन खुकरी जैसा होगा क्योंकि वो जो कटा था, कट लगा था, वो थोड़ा सा टेढ़ा होगा, वो देखने से लग गया था। तो वो खुकरी जैसा वेपन सब लोग तो रखते नहीं। बिल्कुल। मुझे लगा था कि ये मर्डर नेपालियों ने, जब हेमराज गायब था तो हेमराज को ढूंढने चले गए, मैं भी दिल्ली में एक दो चार रिश्तेदार थे भेजा गया वहाँ रह गए, एक टीम नेपाल चली गई। जो लोग घटनास्थल के मौके को ठीक से विवेचना कर सकते थे वो कोई भी मौके पर रह नहीं पाया और जिसको रहना चाहिए था वो रहा नहीं,
वो अपना थाने चले गए उठ के, वो डेड बॉडी को वहाँ, ये बेसिक गलती वहाँ हुई होगी। नहीं वहाँ रहते वो जो आई होते, ऐसा नहीं है कि वो कुछ जानते नहीं थे, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे ले, बड़े हम कानपुर में हम लोग साथ साथ रहे, बड़े ठीक थे जानकार, लेकिन पता नहीं उनको क्या जल्दी पड़ गई थी डेड बॉडी। डेड बॉडी हटाना अलग बात है, लेकिन घटनास्थल का मुआयना करना बहुत ज़रूरी था और वही नहीं हो पाया। प्रेस को रोक देते बाहर, न्यू भैया भी बताएंगे, सब रुक जाते, कोई कम इतनी हो गई, एक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप रहती है तो सब ठीक रहता है। अब वो नहीं हो पाया, भाई सबको अपना अपना काम है, प्रेस को अपना खबर देनी, तो उन्होंने फिर गड़बड़ हो गया उसका, तमाम टेम्पर हो गई जो एविडेंस थी। सीबीआई जब तक आई तब तक तो नासी हो गया था वहाँ। तो सर नार्को टेस्ट के बारे में क्या था? सर ऐसा था, जब वो हम लोगों को विश्वास हो गया कि भाई पंडेर का मर्डर से कोई मतलब है नहीं, तो एसएसपी साहब को बताया गया कि सर ये पंडेर तो मर्डरों में है नहीं, तो अचम्मा हुआ कि भाई ऐसा कैसे होगा कि घर में इतने मर्डर हो जाएं और उस मालिक को पता ही ना हो कि ना ऐसा ही नहीं। तो फिर उन्होंने और हमने ये भी कह दिया साहब हम यदि इसके खिलाफ 16 मर्डरों में चार्जशीट जाएगी तो हम नहीं लिखेंगे, हमको आप टीम से हटा देना, आप जो लिखे लिख देना। तो बोले अच्छा नहीं, तो देखो इनको छोड़ भी नहीं सकते। प्रेस ने ऐसा एक माहौल क्रिएट हो गया था पूरे देश में, बात तो सही है कि भाई 16-17 सीरियल मर्डर हो जाएं और वो आदमी जिसने एक बच्चे का मांस भी मुंह में ही रखा हो तो भीभत्स तो था ही, लोगों में बहुत ज़बरदस्त गुस्सा थी, यदि ये हाथ लग जाते पब्लिक के तो इनको डॉक्टर पोस्टमार्टम करने लायक भी नहीं छोड़ती पब्लिक, इतनी गुस्सा थी, इनको नोचोंच के मार देती। तो लेकिन पंडेर जब हमको पूरा इंटरोगेशन के बाद, तो उन्होंने फिर बुलाया मीटिंग में तय हुई बात कि भाई इसको छोड़ा कैसे जाएगा, इसको तो छोड़ ही नहीं सकते उसका। लेकिन हम दोनों में हमारे स्पेसिंग इस बात पर अडिक थे कि सब 17 में हम चार्जशीट हम लोग ने एक आध चक्कू फक्कू में कोई गलत चला जाए तो अलग बात है, 16 मर्डरों में कोई गलत चला जाए हमें पता है, हमारी कॉन्शियस नहीं। तो फिर वह क्या किया जाए, तब निर्णय हुआ कि भाई साइंटिफिक तरीके से इसका नार्को टेस्ट करा लो। तो दोनों का हुआ था? दोनों का हुआ था। यदि जो हो सकता है हम गलत हों, तो यदि हम गलत होंगे तो बात सही सामने आ जाएगी, फिर चार्जशीट करेंगे, और यदि गलत हम सही हैं और ये मर्डरों में नहीं है तो फिर हम कहने को जाएगा भाई ये साइंटिफिक तरीके से इंटरोगेशन हुआ है, इसका कोई दोष है ही नहीं इसमें, तो नहीं चार्जशीट करेंगे, तो हमारे बचने को तो होगा, पब्लिक कुछ भी सोचे लेकिन कोर्ट तो नहीं गलत सोचेगी, या और जो हैं वो तो हम नहीं गलत करेंगे। इस बात पे हुआ नार्को टेस्ट के, तय हुआ कि नार्को टेस्ट कराया जाए। नार्को टेस्ट की सुविधा देश में तब दो ही जगह थी, हैदराबाद और अहमदाबाद के गांधीनगर में। हैदराबाद से बात की एसएसपी ने, वहाँ 3 महीने बाद नंबर आना था। फिर गांधीनगर से बात हुई तो शायद सरकार, यूपी सरकार ने गुजरात सरकार से बात की, तो बाकी को पीछे करके इसको लेने का बात तय हो गई। उसकी फीस भी बताई गई शायद 55,000 एक केस की, और 16-17 केस, तो इतना बजट नहीं, कहाँ से पैसे आएंगे। फिर शासन से बजट, जो विवेचक थे श्री दिनेश यादव साहब, उन्होंने अपने प्रयासों से शासन से बजट कराया, तब फिर नार्को कराने ले गए हम ही लोग। नार्को टेस्ट 5 दिन चला हुआ, उसमें 2-3 टेस्ट हुए, उनका लाइट डिटेक्शन, ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट हुआ दोनों का। देश की टॉप क्लास के साइकोलॉजिस्ट 3-4 आए थे और उन्होंने नार्को टेस्ट किया। जब हम वहाँ से चले लेके इनको, दिसंबर 10 या 11 की बात है, तो ये हुई मन में था कि भाई हमने इंट्रोगेशन जो किया था वो सही था, कि हमने बिना बात ही अपना टाइम वेस्ट किया। तो डॉक्टर वहाँ जो नार्को साइकोलॉजी की हेड थी, वो थी डॉक्टर एसलवाया। अच्छा। उनसे पूछा मैम ये क्या रहा, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ये हम आपको नहीं बताएंगे, सील्ड पेपर में ये कोर्ट में जाएगा। हमने तो ये तो कुछ बात नहीं हुई, मेरे हमने पूछा मैं सर मैम ये बताइए, हमने आपको, उन्होंने हमसे जाते ये पूछा था
कि आप क्या हमसे इन्वेस्टिगेट कराना चाहते हैं। तो हम दो सवाल उसमें जो रहे होंगे वो आप ही लिए होंगे। तो 200 के लगभग प्रश्न थे जो हम यहाँ से बना के ले गए थे। एक उसमें पूरा सब प्रश्न कवर थे, पूरे सब मर्डर कवर हो रहे थे उनका टाइम। और ये दूसरी था कि ये क्यों किया, इसका मोटिव क्या था। और तीसरा ये था कि ये जो पंडेर है इसकी कितनी संलिप्तता है इसमें। अच्छा। और तो उन्होंने बताने से मना कर दिया। तो हमारे मन में जो बेचैनी टाइप की थी वो बनी रही। फिर हमने सोच के पूछा, मैम एक बात बताओ, बोले पूछो मैम आप ये बताइए हमने आपको इंटरव्यू। उन्होंने फिर ये भी कहा था जब हम क्वेश्चन एरिया दिया ना कि आप लोगों ने क्या पूछा। तो मैंने जो इंटरोगेशन किया था वो हमने लिख लिया था। तो लिखा हुआ मेरे पास, मैंने कहा ये किया, बोले हमको दो। तो मैंने उसमें से पेज निकाल के उनको दे दिए। तो मैंने कहा जी हमने आपको इंटरोगेशन किया दिया था वो कितना सही था। तो वो मुस्करा के बोलेंगे नहीं वो सही था। तो ऐसे फिर इसी दौरान ये CBI में चला गया था केस। CBI ने फिर और तमाम जो हम लोगों के लिए एविडेंस कलेक्ट करना मुश्किल था CBI ने किए। DNA मेल कराया, जो हड्डियां बरामद हुई थी उनसे, उनके बच्चों के माँ बाप से, जो बाथरूम था बाथरूम में जो लैट्रिन सीट थी उसकी पाइप पे ब्लड मिला था, जो वहां से पाइप नीचे तक आती थी। तो तोड़ा CBI ने, जो पाइप पे ब्लड मिला था वो ब्लड का DNA, हड्डी का DNA, बच्चों के माँ बाप का DNA वो मैच हुआ। तो इस तरह ठीक ही रहा, वो उस पर चली गई। और फिर CBI ने भी माना कि पंडेर का मर्डरों में कोई हाथ नहीं था। और CBI ने यहाँ तक कहा था कि कई मर्डरों में तो पंडेर विदेश गया था, देश में भी नहीं था। ये बात हमको नहीं, हमें तो ये था कि नोएडा में नहीं था, लेकिन उनके पास ज़्यादा संसाधन थे। तो उन्होंने इस तरह वो हम जो हमारी वो थी कि भाई पंडेर को नहीं करना, वो उनमें चार्जशीट नहीं हुआ मर्डरों में। भले ही एक आदमी उसकी सजा हो गई हो फांसी की, लेकिन वहाँ से छूट गए वो। अच्छा, अब जो ये फिल्म आई है नेटफ्लिक्स पर सेक्टर 36, उसमें तो जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अधिकारी उनको तो अंत में मार दिया गया है, और भी तमाम तरह की बातें। वो तो उसमें तो वो तो सब काल्पनिक बातें हैं, उससे कोई मतलब, उससे ज़्यादा उन्होंने जरूर बेस वेस लिया है, मैंने देखी है वो, लेकिन इससे सत्यता से कोई मतलब नहीं उसका। उसमें तो दिखाई पुलिस मिला था, पंडेर से मिली थी, उसका नाम जो उनका वो दोनों पुलिस से वो साथ साथ पड़े थे, उसके कनेक्शन है, कपूर क्या कुछ नाम दिया है, नेताओं से भी कनेक्शन है, और जो वहाँ के पुलिस की हेड से उनसे भी, फिर दूसरे है उनसे भी, सबसे मिला। वो तो बकवास, उन्होंने तो कोई एक्शन कोई एंगल छोड़ा ही नहीं जो डिफाई में नहीं होता था। प्रोस्टिट्यूशन भी उन्होंने दिखा रखा है, और ऑर्गन ट्रेडिंग भी दिखा रखी है। तो वो तो अब सब काल्पनिक है उसमें कुछ नहीं। ये दो कहानियां आपने सुनी क्राइम की, जो सबसे बड़ी थी, एक निठारी का कांड और दूसरा आरुषि हत्याकांड। इस तरह की तमाम और भी खबरें और कहानियां आपके लिए लेकर आएंगे, आप देखते रहिए यूपी तक।